दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सांप का सर पर बाल देखे हैं? और क्या आपने कभी किसी सांप की नागमणि को देखी है? देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी रेप्टाइल के शरीर पर बाल नहीं होते। तो अब सवाल उठता है कि सांप के सर पर बाल कहां से आ गए? असल में ये बाल सांप के है ही नहीं, ये तो नेवले की पूंछ की बाल है। अब आप कहोगे कि नेवले की पूंछ की बाल सांप के सर पर कहां से आ गए? तो हम आपको बता दें कि ये महान काम किसी सपेरे ने किया है। दरअसल ये सांप जिस सपेरे के पास मिला, उसने इसके सर पर छेद करके इसमें नेवले की बाल को फंसा दिए। ऐसा है सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने के करते हैं। ऐसा ही काम इस सांप के साथ भी किया गया है। दरअसल इसके सर पर छेद करके एक चमकीले पत्थर को डाल दिया जाता है और बाद में लोगों के सामने निकाल कर नागमणि का ढोंग किया जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।